दोस्तों सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन को दबाएं और पाएं वीडियो सबसे पहले। मैं भारत को भारतीयता की मान्यता के आधार पर फिर से खड़ा करना चाहता हूं, उस काम में लगा हूं। ये कारण तो नहीं मैं मानता हूं कि हम कमजोर थे और विदेशी हमसे मजबूत थे, इसलिए हमको वो परास्त कर गए युद्ध में और हम लूट गए। अगर हम कमजोर ही थे तो पृथ्वीराज चौहान कहां से आ गए, महाराणा प्रताप कहां से आ गए, शिवाजी महाराज कहां से आ गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई कहां से आ गई, और पृथ्वीराज चौहान और राणा प्रताप में कोई तो यूनिक डीएनए रहा होगा, ऐसा तो नहीं है। कोई राजा अपने दुश्मन को बार बार हराए और हराने के बाद हर बार उसे माफ कर दे तो वो तो वीर नहीं महावीर होता है। ये जेनेटिक मटेरियल तो भारत में ही दिखाई देता है, दुनिया में कहीं नहीं है। मैंने दुनिया के बहुत सारे राजाओं का इतिहास पढ़ा है, उन्होंने दुश्मन को हराया तो जान से मार डाला, छोड़ा नहीं उसको। हमारे यहाँ दुश्मनों को परास्त करते रहे और हर बार माफ करते रहे। गलती से एक बार दुश्मन ने परास्त कर दिया तो माफ नहीं किया, क्योंकि उसके पास वो डीएनए नहीं था। माफ करने के लिए जो जिगर चाहिए ना, उसके लिए कुछ खास तरह का बॉडी कंस्ट्रक्शन होता है, कुछ खास तरह के एंजाइम्स होते होंगे, कुछ खास तरह के हार्मोन्स होते होंगे। तो पृथ्वीराज चौहान में तो होंगे, उनके दुश्मन में नहीं रहे होंगे। तो हम कमजोर तो नहीं थे, हमारा इतिहास बार बार बताता है कमजोर तो नहीं थे, ताकतवर तो थे। तो फिर परास्त कैसे हुए, हारे कैसे? शायद इसी से जो पृथ्वीराज चौहान की कहानी बताती है कि दुश्मन को हराया छोड़ दिया। हमारे शास्त्रों में एक मंत्र है, वो है तो संस्कृत में, मैं सीधे हिंदी में बताता हूं। वो मंत्र ये कहता है कि दुश्मन को, आग को, कर्जे को और बीमारी को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को, आग को, बीमारी को और कर्जे को कभी अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। दुश्मन को अगर छोड़ दिया तो वो ही मारेगा। फिर भारत की आजादी के पिछले 60 साल का इतिहास गवाह है, हर बार पाकिस्तान को हराया, हर बार हमने छोड़ा। 48 में हराया छोड़ दिया, 65 में हराया, लाहौर तक हम पहुंच गए फिर छोड़ दिया, 71 में हराया फिर छोड़ दिया, कारगिल में हराया फिर छोड़ दिया, और आज वही पाकिस्तान नाग बन के डस रहा है, हर तीसरे दिन बम ब्लास्ट करा रहा है इस देश। तो शास्त्र का मंत्र है, मेरा नहीं है, कि दुश्मन को छोड़ना नहीं चाहिए कभी भी। अगर हाथ में आ गया खत्म कर दो। और शायद यही बात भगवत गीता में कृष्ण भी अर्जुन को समझा रहे, छोड़ो मत इनको, अगर जो तुमने छोड़ दिया तो ये विष बीज की तरह से फैलेंगे, पूरे देश में अधर्म की स्थापना कर देंगे, इसलिए कौरवों को छोड़ो मत, इनके अंतिम व्यक्ति तक संहार करो। शायद कृष्ण को शास्त्रों का ज्यादा ज्ञान रहा होगा, पृथ्वीराज चौहान को उतना नहीं रहा होगा। कृष्ण को ये जो ज्ञान था शास्त्रों का, उसी का अंतिम परिणाम था कि कौरवों में से कोई बचा नहीं। शायद पृथ्वीराज चौहान को ये ज्ञान किसी ने दिया होता तो मोहम्मद गौरी पहली बार में ही खत्म हो गया होता और भारत का इतिहास कुछ और ही होता। दोस्तों सबसे पहले तो चैनल सब्सक्राइब करें, फिर लाइक कमेंट और शेयर करें, और हाँ, हमारा एंड्रॉयड ऐप डाउनलोड करना ना भूलें।